आज हम आपको डोमोजिनी आईआर ब्लस्टर का डेमो दिखाएंगे। ये बहुत ही सुंदर डिवाइस है और इसके साथ आता है यूएसबी केबल और दीवार पे चिपकाने वाला पैड। अब आपका ब्लस्टर इंस्टॉल करने का तरीका दिखाते हैं। इंस्टॉल करने के लिए अंदर दिए गए यूएसबी केबल को पावर सप्लाई से कनेक्ट कीजिए। तुरंत आपको ब्लू लाइट दिखेंगी। पीछे की तरफ रीसेट बटन है, उसे 5 सेकंड दबाइए। अब ब्लू लाइट टिमटिमाने लगेगी। स्मार्ट लाइफ ऐप खोलिए, प्लस आइकॉन क्लिक कीजिए। अदर्स मेनू में यूनिवर्सल रिमोट कंट्रोल का आइकॉन दबाएं। वाईफाई की डिटेल्स भरिए। अब कंफर्म कीजिए और नेक्स्ट दबाइए। अब आपका डिवाइस आपके वाईफाई से ऑटोमेटिकली कॉन्फिगर हो जाएगा। इसमें करीब 1 से 2 मिनट लगेंगे। कॉन्फिगर होने के बाद आप डिवाइस को पेंसिल आइकॉन के द्वारा नया नाम दे सकते हैं। अब डिवाइस खोलिए और ऐड रिमोट कंट्रोल का बटन दबाइए। हम इनमें से किसी भी डिवाइस को जोड़ सकते हैं। आज हम टीवी के रिमोट को कॉन्फिगर करेंगे। मेरे पास सैमसंग टीवी है, तो आज हम इसी को ऐड करेंगे। रिमोट में किसी एक बटन को दबाइए और देखिए कि टीवी में बदलाव आ रहा है। अगर नहीं आता है तो नेक्स्ट बटन दबाइए और इस रिमोट से कोशिश कीजिए। मेरे टीवी के लिए तीसरा रिमोट काम करने लगा। 1-2 बटन और दबाइए तो आपको पता चल जाएगा कि यही आपका रिमोट है। अब सिलेक्ट दिस वन का बटन दबाइए। आप ये डिवाइस को एक नया नाम दे सकते हैं। अब आप अपने टीवी को फोन द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं।